तो फाइनली बहुत दिनों बाद एयरपोर्ट के दर्शन होंगे और तुम्हें तो हम साथ लेके जाएंगे, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, रुक जाओ। रुको रुको, अभी तो बस एयरपोर्ट पहुंचे, बस थोड़ा सा और। इन्होंने कहा है कि हमें कहीं और ले जा रहे हैं। अभी हमें उतार दिया है, लेकिन कुछ सेकंड और, रुक जाओ बस पहुंच गए। तो हम फाइनली आ गए हैं बाली। तो बाली तो हम आ गए हैं, लेकिन तुम्हें सरप्राइज देने के बजाय हम ही सरप्राइज हो गए हैं। ये हमने देखा था वीडियोस और फोटोज में, लेकिन मुझे नहीं पता था ये ऐसे होगा। ये बहुत ही ज्यादा यूनिक, डिफरेंट और ऑसम जगह है यार, बहुत मस्त। हम सीधा उबुद में आ गए हैं। हम उबुद में हैं और उबुद का ये बाली बबल होटल है। इट्स सो प्रिटी। चल बेटा अंदर जाके दिखा। इसमें ना दो डोर्स हैं। हाँ। तो एक डोर एक टाइम पे ही खुलना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं खुलना चाहिए क्योंकि फिर बबल की हवा निकल जाएगी, जो कि मैंने ना थोड़ी सी निकाल दी है, बट कोई बात नहीं, भर भी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा गुब्बारा भी थोड़ा फिर से फूल रहा है, लेकिन वो फूलता रहता है। और ये रहा हमारा प्यारा ओपन डोम, ऊपर कोई छत नहीं है बट प्राइवेसी पूरी है। यहाँ पे कर्टेन्स है, ब्लाइंड्स है, यहाँ पे आई लव यू लिखा गया है और डकीज बनाई गई है। अब हमें आदत हो गई है। फर्स्ट टाइम मॉल्डीव्स में हुआ था ऐसा, एंड तब थोड़ा सा ऐसा हो गया था अरे क्या है, बट अब हम यूज टू हो चुके हैं। लेकिन मस्त लग रहा है ये, अच्छे से बनाया, मेहनत बड़ी है। मैं कभी नहीं कर सकती। पीछे भी कुछ है, पीछे है हमारे पास खाने पीने का, नाश्ता पानी, और वो बैडमिंटन खेलेगा क्या? कितना मजा आएगा, पूरे ऐसे जंगल फॉरेस्ट के बीचों बीच। लिटरली ऐसे लग रहा है कि अगर तुम गिरे ना सीधा खाई में जाओगे, बट ऐसा नहीं है, हमारे पास ये भी है, हम यहाँ पे बच जाएंगे। बट यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अकेला है यहाँ पे, इसके और भी साथी है, लेकिन वो तुम्हें दिखेंगे नहीं, क्योंकि सब प्राइवेट प्राइवेटली बने हुए हैं। हाँ, सब कुछ प्राइवेसी कर रखी है कि तुम सिर्फ जंगल और सिर्फ तुम हो और कुछ नहीं है यहाँ पे। ये पूल भी दे रखा है मस्त वाला, इन्फिनिटी पूल, इसमें बाद में चलेंगे बेटा, गिर मत जाइए अभी। मस्त। ये है हमारा खुले में वॉशरूम, खुले में मतलब इतना भी खुले में नहीं, कोई देख नहीं पाएगा ना, लेकिन मस्त नहीं है ये। नहाओ पेड़ों की छाव में। ओ कोकोनट से बनाई है शायद, या किसी और फ्रूट के उससे बना है, शावर जेल। और ये रही छिपकलियाँ, इनके ऊपर कपड़े टांग सकते। मैं डर गई थी पता ही नहीं देख के। तो अभी सनसेट होने से पहले हमने सोचा कि कुछ बाहर चल के खाते हैं, यहाँ भी खा सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि घूमते हैं। अभी बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है सब कुछ। चलो मेरे को बहुत भूख लग रही है, अधमरी हो रही है बहुत ज़्यादा। इससे बोला भी नहीं जा रहा। वैसे हमने स्कूटी की बात कर ली है और वो स्कूटी हमें यहीं से मिल जाएगी। 100 रुपए में? 100 रुपए में नहीं, 100 रुपए में भी नहीं, 1 लाख। हाँ। इंडोनेशियन रुपीस में। यस। रुपया, इंडोनेशियन रुपया होता है। मेन बात यह है कि तुम्हें चाहिए होगा इसका लिंक, इसके प्राइस, कि ये कहाँ पे है और क्या है, वो सब लिंक्स होंगे नीचे हमेशा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। हाँ, उसमें चेक कर लिया करो, प्राइस भी इधर उधर होता रहता है। और मैं तो यही बताऊँगा, अगर बुक कराना है ना तो पहले कराना, क्योंकि ये बुक्ड रहता है, ये पूरा बुक्ड है, हमें पता नहीं मिल गया बस। हाँ। किस्मत से। इन्होंने बताया पास में ना एक रेस्टोरेंट है जहाँ से सोमी बाली, जहाँ से हमें सनसेट दिख सकता है। बढ़िया सनसेट वैसे हो, यहाँ से भी दिख ही रहा है, वैसे हमें दिख रहा है, लेकिन भूख लग रही है यार। कितना अच्छा लग रहा है यार, इधर हरियाली इधर हरियाली, हम बीच में। पता सोमी बाली है का यहाँ पे? सोमी बाली है बिल्कुल खेतों के बीच में, उन्होंने अपना खेत भी बना रखा है और वहीं पे ही, बहुत बढ़िया बिल्कुल। ये क्या बताऊँ मैं बता भी नहीं पा रहा है कैसा लग रहा है। आओ। वो रहा सोमी, एंड ऐसा लग रहा है कि वो घर है, लाइक घर में किसी ने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, विच इज नाइस। हम सबसे पहले आए भी इस तरफ ना, वो बुद्ध वाली साइड, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नेचर की तरफ है, ज़्यादा अच्छे से तुम बाली घूम पाओगे रेदर देन वहाँ सिटी वाले एरिया में घूमने से ज़्यादा। रोहन भैया ने हमें डरा दिया था, वो कह रहा अब आओगे ही नहीं तुम यहाँ पे, पता नहीं क्यों डर रहा था वो, हमसे डर रहा था, लेकिन ये वैसे प्लेस बहुत बढ़िया है, मतलब बिल्कुल ही खेतों के बीच में। इन्होंने इनके राइस फील्ड्स भी इधर, पूरे स्टेप्स दिख रहे होंगे तुम्हें, दूर से नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा दूंगा बीच में, बट तुम ऐसे जज नहीं कर सकते, तुम्हें लग रहा होगा हाँ खेतों के बीच में कुछ ऐसे घर में कैफे बना रखा है, पूरी टेक्नोलॉजी है, स्कैन करके मेन्यू है।
ऐसे जज नहीं करना, ये मेरा था ये मन्नी का था पर मुझे ये बहुत स्वाद लग रही है तो ये मेरी हो गई। मस्त हो पीछे सनसेट फाइनली पी क्या रही है लेकिन तू मोहितो क्या स्ट्रॉन्ग मोहितो वही तो क्या है इसमें मोहितो में है क्या तू कह रहा मेरे मुंह में वही तो मैं पूछ रहा हूँ मोहितो में है क्या बहुत कुछ भाई साहब मन्नी सुबह से नहीं कल से अब खाना देखा हमने कल रात को खाया था हमने 10 बजे और अभी 6:30 हो रहे हैं अपने घर आ गए खा पी के थोड़ा सा चिल करके है ना और जगमगा रहा है सब कुछ यहाँ पे हमारा रूम भी जगमगाएगा देखते कैसे लगेगा। हाँ यार रात को तो पता नहीं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है वैसे मेरी ये कहाँ गए बिल्कुल ऐसा लग रहा है चेंज हो गया सुबह कुछ और लग रहा था रात को अलग ही हो गया। आओ मूवी देखे वैसे हम थके हुए हैं बहुत ज्यादा वाले लेकिन थोड़ी सी मूवी देखेंगे। इंडिया में अभी टाइम हो रहा है 7:17 और यहाँ पे हो रहा है 9:47 ढाई घंटा फर्क है। हाँ चलो बेटा मूवी लगा दे फिर 2 मिनट की देखेंगे और सोए पड़े जाएंगे। गुड मॉर्निंग बारिश हो रखी है बहुत तेज और हम आए थे ये सोच के कि अभी स्विमिंग पूल में मजे करेंगे सुबह सुबह क्योंकि सुबह यहाँ पे फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट भी मिलता है। पूरा ही स्विमिंग पूल बना हुआ है हमारा अभी पूरा ही गीला हो रखा है। भाई रात को तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जंगल के बीच में सब कुछ अंधेरा कोहरा अंधेरा और आवाज भी बिल्कुल प्रॉपर आ रही थी। इधर बैठ सकते रुक जा छाते की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी तो क्या जगह है भाई ये है प्रॉपर लिविंग इन द जंगल। हाँ जंगल ही है ये एक्चुअल रियल जंगल कैसे बनाया है यार मतलब हमने और भी एक्टिविटी सोची हुई है आज करने की हम बाहर जाएंगे लेकिन अभी सोचा था कि यहाँ पे स्विमिंग पूल में नहा लेते तो मज़ा आ जाता मैं तो रेडी भी हो गया था और हम इतना ज़्यादा सोए हैं ना हद पार पूरा हो गया पूरा हो गया सोने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब जितना हमने ट्रैवल किया था ना 10-12 घंटे उतना ही हम सो लिए। बड़ी को है कि आंधी आए तूफान आए बारिश क्या चीज़ होती है मैं अपनी वीडियोज बनाऊँगा सो डेडिकेटेड। Only in Bali. भूख लगी हो तो केले तोड़ के खा लो बढ़िया कच्चे है यार। ब्रेकफास्ट मंगवा दिया जाए थोड़ी बारिश कम हो गई है मैं ड्रोन उड़ाना चाहता हूँ एक्चुअली लेकिन लग नहीं रहा उड़ पाएगा। खाना तो ले आए बारिश हो रखी है धक्के लाए वैसे यहाँ रख लेंगे तेरे सर से भी बढ़ाए ये क्या है ये मेरी ड्रिंक है पपाया जूस। हाँ हाँ और ये देख व्हाट इज दिस जामुन क्या है हल्दी हनी एंड ओटोला हनी टर्मरिक हनी एंड आल्सो लाइम। अच्छा हल्दी हनी और नींबू का जूस है ये बस बढ़िया हल्दी का टेस्ट आ रहा है मैंने पिया सिर्फ हल्दी तो है हल्दी नींबू और ये मेरे को पता क्या लगा था कल मैंने इन्होंने पूछा था मेरे से कि ब्रेकफास्ट में क्या लोगे तो मैंने वो मेन्यू देखा कि जामू लिखा हुआ है तो उससे पूछा भी था कन्फ्यूजन ये हो गई कि मुझे लगा ये कोई फ्रूट है क्लेंजिंग जूस है ये। हाँ ये कह रहे हार्ट के लिए अच्छा इतना भी अच्छा नहीं चाहिए था। हमने इनको बोला कि बारिश रुक गई है हमारे लिए ट्रे ले आओ वो हमारे लिए और खाना ले आए यार मतलब मम्मी है मेरी खाना देती है ये भूख लगते है तो मैडम खाना है आपके लिए आ जाइए आज ही खाना आ गया मैं आप नदी से तैर कर लाए हो मेरे लिए निचिक निचिक अभी इतना फनी लग रहा हूँ मैं नीचे क्या क्या है खाने में है भैया सैंडविच जूस फ्रूट्स राइस ऑमलेट टी और मन्नी और ये ड्रोन का सामान जो रख दे गीला ना हो जाए और भैया हमारे पास है आपके लिए बबल्स मस्त लग रहे वाह खाना और मैं तैरते हुए जा रहे हैं खुशियां ही खुशियां अरे कितना प्रिटी लग रहा है।